हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जॉय जगन्नाथ। सो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समर उसके नए कैफ़े के लिए। अभी हम उसी कैफ़े में हैं और जो कैफ़े का लोकेशन है बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है, जो कि है निकोपर स्क्वायर है, उसके बगल में है, आप उद्यान फ्रेश के सामने है। और ये ओपन कैफ़े है जो कि कुछ दिन पहले खुला हुआ था और मैंने ओडिया ब्लॉग भी एक बनाया है, आप देखे होंगे उसमें। लेकिन आज का ब्लॉग कम्प्लीटली है हमारा नेक्स्ट राइड के ऊपर। हम लोग जा रहे हैं मालकानगिरी, हाँ, जो कि कभी हमने कभी गए नहीं थे, मतलब एक्चुअली में बोला जाए तो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है वो। एक्चुअली इतना एक्सप्लोर नहीं है। एक्चुअली क्या ओडिशा मतलब बॉर्डर बोला जाए तो मतलब कम नहीं होगा, कोरापुट से बॉर्डर नहीं। आई थिंक मालकानगिरी जो है वो ओडिशा का जो पॉलिटिकल मैप है उसका जो टेल वो पूरा आंध्रा में घुसा हुआ है। मालकानगिरी इनसाइड आंध्रा, मालकानगिरी का एक पेज देख रहा था और इतने सुंदर सुंदर जगह है, मतलब ओडिशा में इटसेल्फ, मतलब कोरापुट नॉर्मली लोग बोलते हैं कि कोरापुट इज वेरी ब्यूटीफुल, बट मालकानगिरी भी मतलब जो जितना फोटोज में मैं देखा हूँ अभी रिसेंटली, में तो पहले नहीं देखा था इतना, मैं अभी जो फोटोज वोटोज देखा हूँ उसमें पता चला मालकानगिरी भाई मतलब दैट इज नेक्स्ट लेवल। मालकानगिरी को गया है क्या, मतलब मालकानगिरी 680 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर, जो कि काफ़ी दूर है। और हम लोग का ये जो प्लान है भाई, ये एक ग्रुप प्लान है। हाँ, द बेस्ट थिंग इज दिस इज ओएसआर राइड, हाँ, स्पॉन्सर्ड इवेंट। This is basically a sponsored event and they have invited us. So the Malkanagiri DFO, they have invited us to... But actually क्या कि मालकानगिरी तो अच्छे से एक्सप्लोर हुआ नहीं है और वो लोग भी चाहते हैं कि मालकानगिरी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर हो। और वो इन्विटेशन आया था OSR में, ओडिशा सुपर राइडर्स, और टोटल आई गेस 21-22 के आसपास हम लोग राइडर हो चुके हैं, विच इंक्लूड्स आर ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स। खाली पावर फ्यू नहीं, तो दूसरे चाय बिस्किट के भी राइडर्स हैं और दूसरे ग्रुप के भी राइडर्स जा रहे हैं, मतलब टोटल 21-22 जन जा रहे हैं। हमारे ग्रुप से मैं, समर, पीयूष, सुमन, चिचिन, ये पांच जन हम लोग जा रहे हैं। आशीष नहीं जा पा रहा है क्योंकि आशीष का थोड़ा एक्चुअली दिल्ली जाने का प्लान है, इसलिए वो नहीं जा पा रहा है। बाकी हम पाँचों जाएंगे। एक्चुअली ये प्लान जो है वो है 22, 23, 24, 25, लेकिन हम लोग 24 को रिटर्न करेंगे, 25 नहीं रह पाएंगे क्योंकि 24 को सुमन का बर्थडे है और 25 को उसका फैमिली इवेंट है, तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। हम लोग 24 को ही रिटर्न कर जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम जरूर। तो 23 को एक्चुअली एक छोटा सा मीटअप का भी प्लान है और वो पूरा डिटेल्स मैंने अभी कल डाला था इंस्टाग्राम पे, और एक बार डाल दूंगा। तो जहाँ पे भी होगा, मतलब वो इवेंट जो मीटअप वाला इवेंट जहाँ पे हमारा प्लान होता है, वो मैं आपको वो स्टोरी में डाल दूंगा, तो हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी ये है प्लान और काफ़ी दिनों के बाद हम राइड करेंगे साथ में। लास्ट टाइम हम लोग गए थे राउरकेला साइड, उसके बाद से तो लंबा राउरकेला के बाद हो रही है, लंबा राइड है बहुत। एंड अभी देखा जाए तो तेरा नए बाइक में ये लंबा, मेरे भी लंबा हो जाएगा। तेरा तो हो गया ना, वो तो राउरकेला वाला था, मेरा भी लंबा होगा, अभी लंबा है भाई, तो 500 है, ये थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, डबल। तो BMW लेके जाएगा, तो कौन सा लेके जा रहा है, वही रिश्ता में लेके जाएगा, तो ये उसके लिए भी नया, मेरे लिए भी लंबा है। चलो बढ़िया है, तो मिलते हैं मालकानगिरी में। तो जो लोग भी कोरापुट उस एरिया में हैं, मिलना चाहते हैं तो मालकानगिरी आप आ सकते हो 23rd को। कोरापुट होके ही जाएंगे ना, तो कोरापुट वहाँ जा रहे हैं मालकानगिरी, तो 23rd को मिल सकते हैं, 23rd का हमारा मीटअप का प्लान है ना। नहीं देखो, कोरापुट से मालकानगिरी 100 किलोमीटर है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता वहाँ से लोग आके हमको मिलने आएंगे। इन केस हम लोग जब रिटर्न आएंगे, हाँ, तो 24 को काम कर सकते हैं। नहीं, हम लोग का जो 23rd को मीटअप प्लान है, अगर हाँ, कोई आ सकता है, हाँ, तो ठीक है, नहीं तो हम 24 को रिटर्न करेंगे, 24 को जयपुर में एक छोटा सा मीटअप कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट में मीटअप कर देंगे, ओके, वैसा कर सकते हैं, वही सही है। तो ये हम करेंगे फिलहाल। और ये भी आई थिंक हम लोग वहाँ पे ठहरे जहाँ पे वो पुष्पा 2 का शूट हुआ था, हाँ हाँ, वहाँ पे वो चित्रकुंडा वाटरफॉल, चित्रकुंडा हम लोग नहीं जा रहे हैं ना, नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो 25 को 24 को रिटर्न है, 24 को चित्रकुंडा जाना था। जो कि चित्रकुंडा जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, वहाँ से जो चित्रकुंडा का जो रास्ता है वो बहुत ही जबरदस्त रास्ता है, मतलब बेस्ट, विल बी मिसिंग इट, हम लोग मिस करेंगे, हम लोग और कभी चलेंगे, लेकिन तो 24 को रिटर्न ही करना है, तो
दैट्स इट, ये प्लान है, मिलते हैं बहुत जल्द। ब्लॉग्स भी बहुत खतरनाक आएंगे, और जो उड़िया में जो ब्लॉग आएगा वो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का ब्लॉग हो रहा है। 3 दिन का ब्लॉग जैसे जैसे आता है डे वाइज हिंदी चैनल वैसे आएगा। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर हम लोग को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम तो डू फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहाँ पर जाके क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। सी यू सून। राइट से प्रैक्टिस। यस।